भगवान, हे भगवान, मैं बस हे भगवान कहके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे, मुझे शुद्धि के बारे में पूछना बंद करो। पता नहीं किस किस्म का नजर लग चुका है उस फिल्म पे, वो पिक्चर बनी ही नहीं, क्योंकि ये सवाल का जवाब दे दे के मैं थक चुका, आप लोग थकते नहीं क्या? जब जब शुद्धि का मैं पोस्टर अनाउंस करूंगा ना, तब उसके बारे में बात होगी। मैं स्पेशली आई एम गोइंग टू हैव अ पोस्टर डिजाइन टू शो कि एक्चुअली इट्स अ रियलिटी एंड इट्स नॉट अ मिथ। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। Maybe they shot with me in 380 or 50, I don't know. They shot with me more than nearly 300 days. After 250 days, I really got frustrated. Now I was like, Raj, I want to say, I didn't tell him, but I was like, Raj, now it's enough. We'll see, we'll watch the film. Whatever it's done, just show it. Yes. Well, the first time he told me the story, and I knew I had to give a large part of time, and I was not the hero of the film also. But then one thing I knew is this is the largest thing in cinema that I'd ever be part of. And I didn't know if anyone will ever make a film like this again. So which is why every day was a pleasure. Honestly, I couldn't even dream that I'm going to be working with Rajamouli sir. And when I came onto the film, they had already finished about 150 days of shooting. And when I went on, when I actually had gone to the set in RFC, just to meet Rana and sweetie, Anushka. So I just gone to say hello to my friends. ऐसा क्या आपको कन्विंस किया कि आप इसे देखिए? कन्विंस करने के लिए नाम सुन के मैं कन्विंस हो गया। इनका काम मैं बहुत देख चुका हूँ, बहुत सराह चुका हूँ और बहुत मोहब्बत है मुझे इनके काम के साथ। तो जब मैंने इनकी जो फिल्म देखी थी ईगा, तो मैं पूरा पागल हो गया, क्योंकि मक्खी पे पूरी पिक्चर बनाना, यहाँ बड़े बड़े सितारों के साथ हम कभी कभी गलत पिक्चर बना लेते हैं, एक मक्खी के ऊपर एक पूरी पिक्चर बनाना और कन्विंसिंगली बताना, वहां इमोशंस डालना और वो सब एक एक कहानी दौर बताना, ये काम सिर्फ एक जीनियस कर सकता है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर बन रही है, बड़ी स्केल की बात नहीं कर रहा कि हम सब बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उन पैसों को सही ढंग से खर्च करना और उस विजन को इस बदौर इस स्केल पे दिखाना और जहां एक इमोशनल ग्राफ भी हो, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, शायद बनी ही नहीं हिंदुस्तान में। मैंने ये विजन, मैं ज्यादा कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन ऐसी विजन मैंने मुगले आजम में देखी है, जिसमें एक इमोशनल है, कनेक्ट है और एक स्केल और ऑप्युलेंस है। उसके बाद मैंने शायद ही मुझे ऐसे मटेरियल मैंने देखी हो जिसने मुझे पर्सनली इतना इमोशनली चार्ज किया है। तो आई वाज सो, जैसे कि द फेमस लाइन इन हॉलीवुड सेज ही हैड मी एट हेलो, दिस टाइम राणा हैड मी एट राजमौली। ही जस्ट सेड राजमौली, आई सेड आई एम ऑन, पुट माय नेम एनीवेयर यू वांट ऑन दिस फिल्म। मैं कहीं भी, मैं लास्ट क्रेडिट पे भी नाम डाल देते मैं बहुत खुश हो जाता। देखो क्या होता है कि किसी ने इतनी मेहनत की और हम चढ़ जाए क्रेडिट खाने, हम बहुत अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में।